हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी में आने वाली न्यू वैकेंसी को लेकर। देखिए, काफी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैट 2022 अच्छे नंबरों से पास किया है, लेकिन वो लगातार इंतजार कर रहे हैं जनवरी से बाद से अभी तक। लेकिन अब उनका इंतजार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब आपकी जो वैकेंसी है वो 15 मई के बाद किसी समय भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो आपकी है पुलिस कांस्टेबल वाली, लगभग 35,000 इसमें पद हैं। और ये आपका देखने मई लास्ट में जो है अनाउंसमेंट होने की पूरी संभावना है। और इसमें एसआई के भी 3,000 पद, अभी ऐसे बात चल रही है कि 3,000 पद इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। मतलब ये परीक्षा अलग होगी और ये परीक्षा अलग होगी। और जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट है लगभग इसके भी 3200 पद के आसपास इसमें भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का आपका एक एग्जाम हो जाएगा, एक एसआई के लिए हो जाएगा, एक कांस्टेबल के लिए। और लेखपाल के फिर न्यू वैकेंसी आ रही है, लगभग 4200 के आसपास है ये वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। तो अभी तक तो जो है वो आपको 35 और 3 38 38 और 3 41 और 4 45, लगभग 45,000 के आसपास पद जो है वो आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा पुलिस कांस्टेबल वालों को, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेखपाल वाले, ये दोनों भर्तियां तो आपकी पैट से होंगी, ये दोनों भर्तियां ओपन निकलेंगी, ठीक है, तो आपकी लगभग 45,000 के आसपास होगी। और नई, जैसे ही मुझे नई वैकेंसी के बारे में पता चलेगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आप लोग जो है, ये कॉमन भर्तियां हैं, ये दोनों तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रहते हैं, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करिए। जो लोग अभी पैट पास करके आए हैं तो ये टारगेट बनाइए अच्छे से और लग जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ। थैंक यू।